घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका आमे माने आलोचना करूथले भुवनेश्वर सहरर कथा जेउठे बारंबार भूमिकंपर संकेत महापुरुष कहुचंती आउ 13 दिन धरी अजगर जगी थिबा बिंदु सागर विष हब आउ सेई विष कु देव देव महादेव विष जल पान करिवे सप्त तीर्थर जल आसी पहुँचिब लिंगराजंक क्षेत्र रे भक्तबंधु पटामडाण मालिकारे महापुरुष कथा को लिखिचंती आमे भुवनेश्वर सहर कथा आलोचना करिथले जाई फुल मालिका रे आज जो पद को नहींचे आज कटक सहर कथा ऐतिहासिक कटक सहर क टक क कहिले जल ट कहिले स्थल क कहिले पुणी जल दुई भाग जल गोटे स्थल भाग एपटे काठजोड़ी सेपटे महानदी मझीर स्थल भाग कटक कथा आ महापुरुष कहते कटक जोठी आगुरी प्रबल बटवृक्ष थिला प्रबल बरगछ कटक सहर रे एबे तो सब गृह निर्माण हो गला महापुरुष 600 वर्ष तले लिखिथिले ए सहर रे कौन हब कटक सहर रे भक्त माने एक कथा श्रवण करी हे सुधी सज्जन मालिकार कथा को जानी पारिबे आगत भविष्य संपर्क रे जानी पारिबे भक्त बंधु आ सतर्क रही पारिबे महापुरुष कौन कहउचंती बोले घूर्णी बात्या जे होइबो घूर्णी बात्या जे होइबो घूर्णी बात्या जे होइबो घूर्णी बात्या जे होइबो कटक सहरे पानी पसिबो लो जाई फुल सबु छार खार जे होइबो 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि महापुरुष कहते घूर्णी बात्या जे होइबो आउ कटक सहरे पानी पसिबलो जाई फुल सबु छार खार जे होइबो ए कटक सहरे जलमग्न हबो भक्त बंधु आउ सबु छार खार हबो आउ कली जुगरे कलीर विषम समय भितरे ए घटना सब घटिबो महापुरुष कहते जेउ कटक आपण मानंकर गौरव बहन करिछि तार कृतिराजि तारकसी कामरे सारा विश्व को चकित कर दिए जे कटक सहर कथा आम्भे माने जानिचे जे कटक रे दुर्गा पूजा प्रसिद्ध दुर्गा पूजा जे कटक तार ऐतिह बहन करे बारवाटी दुर्ग को नहीं जेउठी जन्म होइतिले वीर संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आउ जे कटक ज्ञानीगुड़ी माटी भक्त बंधु से कटक कथा जो कटक रे महापुरुष कहते आम्भे मैंने आगुरी आरंभ करते मालिकार कथा को कालिया बदा कथा जे सारा करे कुटल बोल कटके लग बोल अनेक कटक अच्छी ता जो कटक कथा एपटे काठजोड़ी सेपटे महानदी आउ ये कटक रे कौन हम भक्त बंधु महापुरुष कहते घूर्णी बात्या जे होइब इते जोर घूर्णी बात्या हम कटक सहरे पानी पशिव पानी पशिव आउ कौन हम सबु छार खार जे होइब सब छार खार हो भक्त बंधु आउ आपण मानकर यही घटना ही घटव महापुरुष कौन कहते कली जुग केतबले जदि या हम आम सतर्क रुहतु महापुरुष कहते तार समय निर्धारण करो समय तार संकेत कौन दब कटक सहर केतबले जलमग्न हम महापुरुष कौन कहले कहले शंख शब्द जे सुबिब काठ जोड़ी भांगिब कटक सहर पुणी जे जलमग्न होइब गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि बोले शंख शब्द जे सुबिब काठ जोड़ी भांगिब काठ जोड़ी भांगिजीव जतबले शंख शब्द शुणाजीव आउ हे सुधी सर्जन कटक सहर पुणी जे जलमग्न होइब कटक सहर जलमग्न होइजीव भक्त बंधु जो समय रे से मास कौन से दिन कौन कौन हो से मास महापुरुष मासर सूचना देउछन्त से मास कौन होते बड़ विपत्ति जो कटक सहर हबो कौदिन घूर्णी झड़ हबो आपण मानक मन प्रश्न जे मालिका
केवल कहुचे या हम सीया हम आगत भविष्य हम के हम संकेत कौन मिल से मस कौन हो आज मसर सूचना महापुरुष केस कटक सहर जलमग्न हम बा घूर्णिझड़ हम महापुरुष कौन कहते चैत्र मसे घूर्णिझड़ जल पावन बही उठावाड़ी सर्व भाषी सत्य वचन एही गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि महापुरुष अच्युत कहते चैत्र मासरे घूर्णिझड़ जल प्लावन बही से मास हूँ चैत्र मास विशाल घूर्णिझड़ आसीबो आउ इत्ते जोर जलवृष्टि हम आई समय कौन हम काठ जोड़ी बंध भांगिबो आउ काठ जोड़ी बंध भांगिबो कोठावाड़ी मध्य भुशुड़ी पड़ भक्त बंधु कटक सहर आए सुधी सज्जन महापुरुष अच्युत कहते सत्य वचन यही मोर सत्य वचन महापुरुष लिखिंट छटी जिला जलमग्न हम क्यों छटी जल जिला जलमग्न हम भक्त बंधु से जिले जो आपण मैंने देखुंत आपण मैंने सतर्क रुहतु क्यों छटी जिला महापुरुष लिखिंट जलमग्न हो कटक एक बालेश्वर जाजपुर ये हला तीन भद्रक चार केन्द्रापड़ा पाँच जगत सिंहपुर छ ये छटी जिला जलमग्न हो महापुरुष कहते जल प्लावन बहब ए सुधी सज्जन नड़िया गच उचा जल बहुत बही छटी जिले में पानी पशिजी गाँ गंडा भसाई नेब जलमग्न हो महापुरुष एक कहते तेणु कटक बालेश्वर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर भक्त बंधु महापुरुष 600 वर्ष तलु ये कथा को लिखिंट काली बात्या हम आज जे न्यूज रे घमा घट ये कथा कहु किंतु 600 वर्ष तलु महापुरुष कहते यही सब छटी सहर जलमग्न हेबो देखंतु आगत दसटा महापुरुष केते आगत दसटा थिले आपण माने देखंतु भक्त बंधु कटक सहर कथा जोटी घूर्णी बात्या हबे बोले महापुरुष कहते आउ कौन से जगार हम महापुरुष कहते बड़ सुंदर पदरे पथर बंध जे फाटी पड़ कटक सहर ध्वंस होइब गोविंद गोविंद राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि महापुरुष अच्युत कहले पथर बंध जे फाटी पड़ पथर बंध फाटिज गोपालपुर पाखरे बंध फाटिज कटक सहर जल ध्वंस होइब आपटे काठ जोड़ी बंध भांगिज जलमग्न हो कटक सहर पुनश्च कटक सहर जल प्लावन हो महापुरुष अच्युत कहते भक्त बंधु जहाँ 600 वर्ष पूर्वे अच्युत लिखी कटक सहर कथा कटकवासी कथा आम्हे माने से कथा आपण मानक कहचु 600 वर्ष पूर्वर मालिका सत्र लिखि कटक विषय कि तथ्य आम्भे माने आपण मानक दौचु भक्त बंधु आउ कटक जिले महापुरुष अच्युत निमाल बट जाऊ जानते आनंद हे मत सुधी सज्जन भक्त भगवान कर अनन्य मिलन हे सुधी सज्जन आज कौन कहते से कटक सहर कथा पड़ जाऊ से कटक सहर कौन हम महापुरुष जाइफुल मालिकारे कहते कौन कहले सती चौरा श्मशान सती चौरा श्मशान सती चौरा श्मशान सती चौरा श्मशान गदा गदा सब मिली से स्थान लो जाई फूल राम सत्य मोर ए वचन 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि महापुरुष अच्युत कहते सती चौरा श्मशान देखु 600 वर्ष पूर्वर सती चौरा श्मशान कथा लिखाई महापुरुष कहते यही श्मशान घाट पलटिज सती चौरा से 600 वर्ष पूर्वर ता कि ना भक्त बंधु आम जाणिने एवं सेठी सती चौरा श्मशान आपण मैने समस्ते देखी
आउ जेउं दिन सती चौरा श्मशान जुई लिभिब नाही सेठी गदा गदा शब से जगार आसी पहुँचब सकाळ ठारु राति पर्यंत गदा गदा शब से जगार आसी पहुँचब महापुरुष कहउछन्ति। आउ जेउं दिन एभळी घटना घटिब जानिबे कळीर शेष समय आसीगला सती चौरा श्मशान स्वर्ग द्वार भळी जुई सेठु लिभिब नाही। भक्त बंधु मन रखिथांतु आपण मानक आंभे माने जाईफुल मालिकार ये कथा को कहुचु जहाँ 600 वर्ष पूर्वे लेखा होता। भक्त बंधु जो दिन कटकवासी जो मैंने देखुं आपण मैने जानतु कटक सती चौरा कथा जो सती चौरार गदा गदा सब आसी पहुँचब आ स्वर्ग द्वार भली से जगह जुई लिभिवनी। भक्त बंधु महापुरुष कहते सत्य मोर ए वचन ये कथा को सत्य बोली भाव अनेक शब से जगार आसी गदा गदा शब हम आउ जलमग्न हेब कटक सहर खाली से नुह। भक्त बंधु आउ कौन हम कटक रे आपण माने शुणतु कौन कहिले कटक सहरे जल पशिव घूर्णी बात्या अचानक होइव गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि जहाँ में जाई फुल मालिकार महापुरुष से दिव्य कथा को आलोचना कलु ये तार स्पष्ट प्रमाण कौन कहिले अचानक घूर्णी बात्या होइब आउ कौन हम ना जल पशिब आउ कौन हम कटक सहर महापुरुष कहते पथर बंध जे भांगी पड़ब कटक सहर जले बुड़ब गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी कि कहले कटक अचानक बात्या आसब आउ सब कोठा बाड़ी भांगी भांगी पड़ के खाली से नुह आउ कौन कहते कहले महानदी पानी उछुली जीव कटक जे छार खार होइब गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि महापुरुष अच्युत कहते कटक सहर रे जो महानदी से उछुली पड़ब आउ कौन हम कटक सहर जल प्लावन हम आम तो महानदी अध्यपता सरीगला पुनश्च जल आसब आ जो थी जल गुड़िक ये कटक सहर को संपूर्ण रूपे बुड़ाई दब महापुरुष एक 600 वर्ष तले लिखिंट ये कटक सहर ये घटना सब घट महापुरुष कहते कली जुगर मनुष्य ये संसार भितर रही कौन करिब ना निज स्वार्थ पछरे धाइब नानादि प्रकार कोठा बाड़ी करी जो जलाशय गुड़िक रोला जो सकल सहर जल गुड़िक से जगार एकत्रित होता से खाल को आम कौन करवा ना पोति पकईवा तेणु पानी गुड़िक आउटी जमीब घर द्वार पशिब चारिड़े सहर भितर चाकचक्य सहर भितर रास्ता जाए कौटी पहुँचला मणि तेणु पा जावा बाटर रास्ता आज्ञा ऊंचा रास्ता है जल गुड़िक सब ग्रह पशिब एक आंभे कहूनु भक्त बंधु जलार्णव हेब कटक सहर जहाँ 600 वर्ष पूर्व महापुरुष कही भक्त बंधु मालिका केते सत्य कटकवासी अन्यान्य जो मैंने देखुवे स्थिति को सेने विचार कर घट भक्त बंधु कहते शुणु चैत्र मसने घूर्णी बात्या हम आउ कटक पथर बंध भांगिज पुनश्च ये सर्वदेवी मंदिर आउ समस्त देवता मानकर स्थान जलमग्न होते स्थान छाड़जे सर्वदेवता दिय कटक सहर को छाड़जे माँ कटक चंडी से स्थान छाड़ कटक छाड़ी चलीजे ये सुधी सज्जन से आपण मैंने विचार करेंगे कहीं कथा आम्भे मैंने कहचु जिते अन्याय अत्याचार बढ़ी जाए जो अधर्म बढ़ी जाए पापी मान बढ़ी जाए से देवी मैंने स्थान छाड़देवे आम्भे मैंने आगुरी कहते वीरजा स्थान छाड़ा कथा एवं कटक चंडी कथ आसला से जगज्जननी माँ श्रीपय अनंतकोटी दंडवत करवा आ माँ स्थान छाड़देवे पुणी पुनश्च महापुरुष कहते भक्त मानक भाव से तोष हे माँ जगत भितर दया करती करुणा वरुणालया
से माँ भक्त मान को कृपा करिबा से जोटि कि जिवे तांकर सेवक भक्त मान को से जगह को नहीं जिवे भक्त बंधु ये केड़े आनंदर कथा देखंदो जो माने सेवायत सेवक माँ को निष्ठा प्रभाव रे पूजा करुचंती माँ तांको कुल करिबे आउ जो माने लोभी गर्वी दंभिक से मानंकु माँ चंडी खरपर रे नाश करिबे कटक चंडी ए सुधी सुधी सज्जन चंडी को पाखरे बळी पड़िबे अर्थात तेणु ए कथा आम्भे माने मन कहिल हबो कौन से पद महापुरुष कहउचंती कौन हबो कहले कटक सहर जळे बुड़ीब चंडी देवी आस्थान छाड़ीब गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद माँ चंडी देवी आस्थान छाड़ीदेवे आउ ए समय भितर कटक सहर जल बुड़ा बेले माँ चंडी आस्थान आउ आस्थान रही भक्त बंधु महापुरुष जहाँ लिखिंट हे सुधी सज्जन कहते सत्य वचन यही सती चौदार गदा गदा शब पड़ा सहित घूर्णिझड़ होगा सहित पत्थर बंध भांगा सहित जलान्नव कटक होगा सहित एक कटक सहरवासी लिखुंत तपुनश्च महापुरुष जाइफुल मालिकार अनेक तत्व कहवाक जा शिष्य रामदास को आयु के सूचना दौंती भक्त बंधु आम से कथा को आलोचना करवा कहीं कलीजुगर एमती समय है विशाल समुद्रर गर्जन पवन घूर्णिवात्या असमय ऋतुर परिवर्तन आम्भे मैंने कल कारखाना सब ये परिमाण बढ़ला अंगारकामल वृद्धि होगापर संतुलन हरई आज पृथ्वी तेणुक ये दुर्विपाक निश्चिंत आम ही भोगवाक पड़ब तो पुनश्च जाइफुल मालिकार कटक सहर कथा कही जलमग्न होबार कथा घूर्णिवात्या होबार कथा कूड़कूड़ शब सती चौरारे गदा होगा कथा कहते परवर्ती समय भितर शिष्य रामदास श्री गुरु अच्युत पजा गुरुदेव ये गला कटक कथा संसार कथा टी कहत भक्त शुणापी व्यग्र कली आगत भविष्य कथा शुणापी व्यग्र कली जुगे कौन हम कहीं घटना घटव गुरुदेव ये सहर से कहीं घटना घटव भुवनेश्वर ये घटना घटव ओडिशा रे भली घटना घटिव पृथ्वी रे भली काहीके सब घटना आउ कौन काहीके ना कली जुगरे अच्युत कहउचंदी मनीषर स्वभाव मध्यम परिवर्तन हे जीव आउ कौन स्वभाव परिवर्तन हे जीव महापुरुष अच्युत कहउचंदी कली जुगरे आ बाबू रे स्नेह प्रेम श्रद्धा आउ रहिबो नाही ए कथा आम्भे कोनो भक्त बंधु महापुरुष श्री अच्युत जाइफुल मालिकार कहउचंदी आउ कौन कहिले कली जुगरे कौन हबो स्नेह प्रेम जे हजीव स्नेह प्रेम जे हजीव स्नेह प्रेम जे हजीव स्नेह प्रेम जे हजीव स्वार्थ सरी गले पादे फिंगी बोलो जाई फूल यही कली जुगर स्वभाव यही कली जुगर स्वभाव यही कली जुगर स्वभाव यही कली जुगर स्वभाव बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी कि महापुरुष अच्युत कहते कली जुगरे स्नेह प्रेम कुआडे हजिजीव आउ स्वार्थ सरीगले मनुष्य कौन करिब पादरे पिंगी देव सरीगला स्वार्थ तो भल पाइबा सब हो व्यर्थ हे सुधी सज्जन थिला स्वार्थ तू तापाई थिलु बहु अर्थ किंतु हे सुधी सज्जन एबे किंतु सब सरीजीव जितने स्वार्थ सरीजीव सेतबले ही कली जुगर स्वभाव कौन पादरे आड़े देवे भक्त बंधु आमे परिवार भितरे रहुचे आउ परिवार रे भक्त बंधु आपण माने जानिथिबे देह मुंडरे टिके आपण पड़ी जांतु परिवार रो व्यवहार मध्ये आपण जानि परिबे जे मते आउ ए परिवार लोक भल पाउनांत ए सुदे सज्जन सेमाने मध्ये गुणा करिबे आपण जितने रोगरे पड़ी जिबे बुढ़ाई जिबे आउ सेतबले आपणक पाखाउ के माड़िबेनि कहिबे बुढ़ा पड़ी बुढ़ी पड़ी जाओ ना बाहर आज्ञा पुओ बहुत सेवा करना गोटे गोटे रखिद आज्ञा जी सेवाकारी डेड भाल जी कर टा पांच हजार ने बापा माँ को सेवा कर भक्त बंधु सी सीना पैसा नब सेवा कर कौन लाभ आपण को ऋण सुझापी बापा माँ ये बड़ सुविधा दे पड़गला बेले टी आप सेवा करेंगे मलमूत्र करेंगे कहीं आपणकर मलमूत्र पर सी कर आपण जितने सेजरे परिश्रा करुले सेजरे मलत्याग करते से माँ से बापा पाखरे थे आज्ञा जड़े गोड़ को टेक धरवा आ जड़े पछ पोछु थे सुधी सज्जन ये बापा माँ काम राति अधरे केते थर तांको लुगा को दा करी चंत आउ ये बेजे सेजरे पड़ी जाइंट घृणा करेंो मो बापा माँ
जाइ फूल मालिका कहुचंती स्नेह प्रेम परा कुआडे हजि जीव आमे संसार भितरे रहिबा सिखि पारिलेनि भक्त बंधु भगवान आमको सृष्टि करिथिले ए पृथ्वी रे रहिबा पई सृष्टि करि नथिले महाकाश रहिबा पई आमे महाकाश रहिबा सिखि गले सृष्टि करि नथिले भगवान जल भितरे रहिबा पई आमे समुद्र भितरे बुड़ी कि रहिकी घर द्वार सेठी जनबसति कलुणी चंद्र रे रहिबा पई भगवान आमको सृष्टि करि नथिले भक्त बंधु आमे चंद्र रे जागा किणि सालेणि घर द्वार कलेणि किंतु जो परिवार रे आमको रहिबा पई प्रकृत भगवान आमको सृष्टि करिथिले से परिवार रे आमे ठीक से रही पारुनु भाई भाई सांगरे पडुनि बाप पुओ सांगरे पडुनि स्वामी स्त्री रे पडुनि आ घर भितरे सासु बहु रे पडुनि आको गुण परिवार कोहंती परिवार सेही परस्पर स्नेह जई थाए निरंतर वैकुंठ समान अटे से घर से होचंती वैकुंठ समान से होचे राम परिवार जणे जण को देखिले जो आनंद हो जाए भक्त बंधु महापुरुष कहिले स्वार्थ पाई प्रेम सब हजिजीव श्रद्धा हजिजीव महापुरुष लिखि नांती कहले कलिजुगरे भविष्यवाणी रे महापुरुष आगत भविष्य बालिकारे लिखिचंती कहले स्वार्थ सरी गले पादे फिंगी देबे कटुता कहिबे वाणी बौल लो कटुता कहिबे वाणी मद्यपान करी टोका ए मातिबे थोके हेबे होणा होणी जय जगन्नाथ जय श्री अच्युत जय जगन्नाथ जय श्री अच्युत बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले स्वार्थ सरी गले पादे फिंगी देबे कटुता कहिबे वाणी जहाँ कहते जाई फूल मालिकार ता भविष्य मालिकार प्रमाण हे सुधी सज्जन बोले स्वार्थ बादिए नर से नुहंती जे कहार ये संसार भितर स्वार्थवादी नर से कार तेणु मद्यपान कर टोकाई मातिबे थोके हेबे हणाहणी स्वार्थ सरीगले पादे फिंगी देवे कटुता कहिबे वाणी भक्त बंधु कटुता वाणी कहिबे आपण मानक आ पादरे फिंगी देवे हे सुधी सज्जन महापुरुष 600 वर्ष तले कथा को मालिका शास्त्र रे लिखुचंती तेणु यहाँ आम मध्य बुझी सारे कलिजुगरे सब स्वार्थपर संसार सुर नर मुनि सबके यहाँ रीति स्वार्थ लागे करई सब प्रीति स्वार्थ पाई प्रीति करती आ स्वार्थ सरीगले जेझा बाटर जेझा छाड़ी जाती कलिजुगर नियम भक्त बंधु आम निस्वार्थपर प्रेम कालिया रे तो सहित मोर स्वार्थ नथिबा संपर्क थरे ता सहित जोड़ी दियंतु ना आउ ये संसार एते कष्ट देवनी आपण आपण जानिबे मो पई केही नांति केवल प्रभु अछंथ आउ से तळे चतुर्भुज बढ़े आपणक सहायता करिवे द्विभुज आपणकर कोन क्षति करिवो भक्त बंधु जदि आपणकर स्नेह प्रभुंक पाखरे रही जिवे संसार स्नेह आउ आवश्यक पड़िबनी संसार स्वार्थ स्नेह आउ आवश्यक पड़िबो नाही यदि परमार्थ स्नेह रे आपण उतप्रत हो गले भक्त बंधु एक आम्भे कहूनु जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कहउचंते कलि से भली संपद मिली गले आओ आमर आउ कौन दरकार जीवन रो प्रकृत लाभ कले जारो संपद वासुदेव ताहाकु कियो बा दुर्लभ राधे गोविंद 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 हरि बोल जार संपद वासुदेव ताहाकु कियो बा दुर्लभ जार संपद प्रभु आउ तार धन आवश्यक कौन भक्त बंधु आज तो समय हो जाइए परवर्ती अध्याय मानक आम्भे आपण मानक जाई फुला मालिकार महापुरुष श्री अच्युत क्यों सब विषय सूचना देते आम से विषय को आलोचना करूँ आगत भविष्य कथा कौन शिष्य रामदास को कही आम से कथा को आलोचना करूँ भक्त बंधु प्रति अध्याय किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य को आम्भे आपण मानक आगे रखुचे तेणु प्रति थर आपण प्रति अध्याय देखत मालिका कहीं जाइफुल मालिका प्रति थर आपण मानक कि नुआ तथ्य ही मिल जहाँ पोथी लेखा शास्त्र उद्धृत जहाँ को 600 वर्ष पूर्व महापुरुष अच्युत कही भक्त बंधु परवर्ती अध्याय आम से कथा आलोचना करवा आज समय आपर विदाय नवार दुईवार नाम संकीर्तन करवा वाणी को विश्राम दवा ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।